किसान यूनियन राजनीतिक दल की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। सिरसागंज रोड पर एक निजी विद्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई। आइए आपको भी दिखाते हैं। यह तस्वीरें नगर के सिरसागंज रोड स्थित एक विद्यालय की तस्वीरें हैं। यहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक दल की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि की भूमिका में मंडल अध्यक्ष राजकुमार तोमर, राज्य प्रदेश अध्यक्ष स्वरूप राम की मौजूदगी रही। दल के पदाधिकारियों की ओर से सभी अतिथियों का बड़ी ही उत्साह के साथ स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद यहाँ नए जिला अध्यक्ष की घोषणा नीलेश यादव के रूप में की गई। नीलेश यादव को किसान यूनियन अराजनैतिक दल का नया जिला अध्यक्ष गया। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर कार्य करने का आश्वासन दिया है। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां बेहतर कार्य करने के लिए बैठक के माध्यम से किसानों की समस्याओं के निदान के लिए एक बड़ा दल तैयार किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अतिथियों ने क्या कुछ बताया है, वहीं जिम्मेदारी मिलने के बाद नवनियुक्त किए गए जिला अध्यक्ष नीलेश यादव ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। आज मंत्री आगमन हुआ है आपका, क्या उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य किसानों की सेवा का है। बहुत सारे राजनीतिक दल और बहुत सारे संगठनों ने काम किया है। अभी हमारे संगठन को दो महीने हुए भारतीय किसान का राजनीतिक दल, और संगठन को लेकर विस्तार गाँव और शहर में और पंचायतों में किया जा रहा है। हमारी मेन फोकस यही है किसानों को किस तरीके से हमें उनका जो हक है कैसे दिलाना है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। मैं अपेक्षा करूँगा कि मैनपुरी के लोगों से, किसानों से एकजुटता होकर और अपनी समस्या को रखेंगे तो निश्चित तौर पर उनका समाधान होगा। यहाँ पे काफ़ी संख्या में किसान आए हुए हैं और यहाँ की कुछ समस्या ऐसी जेमन है, उनको हम अभी दूर कर रहे हैं और आगामी आंदोलन की प्रक्रिया के अंदर को बताएंगे। और यही नहीं कि मैनपुरी है, इसमें पूरा आगरा मंडल का सहयोग करेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। क्या दिशा निर्देश दिए गए आपकी ओर से? देखिए, आज तो संगठन विस्तार है, हमारे नीलेश यादव जी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी जा रही है, परंतु आगामी जो यहाँ की जो दैनिक समस्या है उनको लेकर बड़ा आंदोलन मैनपुरी में किया जाएगा। उसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद तीनों जनपद सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रदेश से भी सहयोग मिलेगा, मगर अब किसानों को मुद्दों को भटकना नहीं पड़ेगा। किसानों की अच्छी लड़ाई भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लड़ती है और लड़ती रहेगी। नीलेश यादव। नीलेश जी, किस पार्टी से आपको जिला अध्यक्ष बना? भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। अच्छा, किस तरीके से आप पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? लोगों की समस्या, लोगों को जोड़ेंगे, किसानों की समस्याएं सुनेंगे और जो भी किसानों की समस्या होगी उसमें चढ़ बढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे और उनकी मदद करेंगे और किसान की जो समस्या है उसको हम लोग निस्तारण करेंगे और पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे और पार्टी को आगे ले जाएंगे। लगातार से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। लगातार देखिए जा रहा है किसानों की समस्या ज़्यादा अपने किसान नेतर से। किसानों की बहुत समस्या है, चाहे मंडी हो, चाहे खेत में हो, चाहे गाय की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे उसके समर्थन मूल्य की बात हो, किसानों की सबसे ज़्यादा समस्या है। ना ही तो समर्थन मूल्य मिल रहा है, ना मंडी में बेचने आता वहाँ उसको भाव मिल रहा है। अभी इस समय मूँगफली के जो मूँगफली का समय है तो उसमें क्या है कि वो अब रेट ही नहीं उनको मिल रहा है। जो रेट मिलना चाहिए किसानों को वो नहीं मिल रहा है। मंडी के जो आढ़ती आए हैं वो अपनी मनमानी चलाते हैं, कहीं 1% टैक्स लेते हैं जबकि सरकार कहती है कोई टैक्स नहीं लग रहा है, और जबकि मंडी की आड़तियाँ सभी टैक्स लेते हैं और 1% काट के तब पैसा देते हैं। तो आपकी पार्टी किस तरीके से किसानों का समाधान करने का काम करेगी? समाधान करेंगे, मजबूती से रखेंगे, DM से बात करेंगे, SDM से बात करेंगे, जब ये नहीं सुनेंगे तो ऊपर उच्च लेवल सरकारों से बात करेंगे, सरकार में जो बैठे हुए लोग मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करेंगे और हमारी पार्टी बहुत ऊपर तक जाएगी और उसको हम किसानों की समस्याओं को आगे रखेंगे।